जैसे हम लोग आए यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हुई, हमारा परमिट चेक हुआ। ट्रैवल करना थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, इंडिविजुअल ट्रैवल अगर मैं बात करूँ। अभी ना हम सो के भाई बीच रात उठे हैं भाई, 2 बज रहे हैं रात का, भाई को यार नींद आ नहीं रही और यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हाँ नींद वैसे भी ठीक ठाक मेरे को आ नहीं रही, आज समझ नहीं आ रहा मेरा सर, थोड़ा भारी बारिश हो रहा है अभी। और एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे अपना जो कांच है कांच को साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आने वाले हैं, तो मेक श्योर करने के लिए कि व्यू में कोई कमी ना पड़े। आई थिंक्स यू सी व्हेन यू ट्रैवल इन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे, तो यहाँ पे भाई इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट लिखा हुआ है। जैसे धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ये वाले ट्रेन में जो ऑक्सीजन है उसको भी छोड़ना शुरू करेगा। यहाँ से भी थोड़ा बहुत भाई जो तिब्बत का जो इंप्रेशन है वो देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे थोड़े बहुत झंडे भी देखने को मिल रहे हैं तिब्बत के, चाइनीज झंडे भी हैं, चाइनीज झंडे के साथ तिब्बत झंडे भी। विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल रेंडरिंग मैनियक, स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग, तो कुछ अराउंड 6 महीने के बाद गाइस वी आर अगेन बैक टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड अगर आप लोग पूछो क्यों, तो यार कंट्री इतना बड़ा है आप एक विजिट में यार पॉसिबल ही नहीं है कि आप जितने भी रीजन्स हैं चाइना के वो आप लोग विजिट कर पाओ। एंड लास्ट टाइम मैंने जब मैंने विजिट किया था मैंने मोस्टली इतना हान चाइना है वो सारा मैंने कवर करा था, बट एक रीज़न था जो कि मुझे बहुत मन था लास्ट टाइम भी करने का बट अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाएगी, वो रीज़न इतना ज़्यादा मुश्किल है ट्रैवल करने के, दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर अगेन हियर बैक इन चाइना, जो कि अगेन आप लोग टाइटल एंड थंबनेल से समझ गए कि भाई कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ। तो इस बार गाइस हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं तिब्बत में। मुझे पता है गाइस बहुत दिनों से भाई वीडियोस नहीं आई चैनल में, एंड द रीज़न इज गाइस अफ्रीका ट्रैवल करने के बाद मैं चला गया था इंडिया घर, एंड दुर्गा पूजा जो है वो सेलिब्रेट करने मैं इंडिया गया था, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है वो, एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के बाद फिर मैं निकला था ये हमारे जो चाइना सीरीज है वो शुरू करने के लिए। तो तिब्बत ट्रैवल करने के बाद दो तरीका, एक तो आप फ्लाइट लेके जाओ, फ्लाई करो लासा जो कैपिटल है तिब्बत का, तो आप ट्रेन लेके जाओ। तो हम लोग भाई ट्रेन लेके जा रहे हैं, हमारी आज आपको भाई ट्रेन है बीजिंग वेस्ट से लासा के लिए। ये वाला ट्रिप में गाइस हमारे साथ और एक भाई जोड़ने वाले हैं, नवदीप ब्रार, जो कि अगेन पंजाबी में वीडियोस बनाते हैं। एंड ऑल्सो गाइस दिल से माफी चाहता हूँ कि यार थोड़ा बहुत मैं इनकंसिस्टेंट था लास्ट के कुछ दिनों से, एंड बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आए, बट अभी से चाइना सीरीज शुरू होने के बाद अभी से वीडियोस जो है कंटिन्यूसली आएंगे, एंड वीडियोस अगर पसंद आते हो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो गाइस यहाँ पे 721 जो है सॉरी Z21 जो है वो वाली ट्रेन हमको पकड़नी है भाई, एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बड़े चार्ट में दिखा दूँ तो गाइज ये फिलहाल बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ से हम लोग भाई जो ट्रेन और पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे जो Z21 जो ट्रेन दिख रही है आपको सेकंड में जो लगी हुई है, यहाँ पे फोर्थ का चेकिंग लिखा हुआ है, वॉलेट ट्रेन में हमको पकड़ने वाले हम लोग। एंड देख लो भाई बीजिंग के रेलवे स्टेशन और यहाँ का भाई इतना बड़ा भाई चार्ट, ऐसा लग रहा है भाई एयरपोर्ट के अंदर है भाई हम लोग लिटरली। एंड चाइना का हर रेलवे स्टेशन ऐसे होता है भाई, हर रेलवे छोटा से छोटा रेलवे स्टेशन भी ऐसा रहेगा कि भाई एयरपोर्ट पे हो आप। एंड यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर, जैसे प्लेटफॉर्म देख लिया 4 पे लगी है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ऐसे करके आगे हम लोग जो 4 नंबर है वहाँ पे वहाँ से हम लोग ट्रेन के अंदर बोर्ड करेंगे। देख सकते हो भाई जैसे आप लोग स्टेशन के अंदर आते हो और एक यहाँ पे स्पेस बनी रहती है जहाँ पे जहाँ से आप लोग एक्चुअली में जो रेलवे ट्रैक है उस तरफ जाते हो आप लोग, तो यहाँ पे आगे चेकिंग का सिस्टम लगा गया, यहाँ पे पासपोर्ट चेक होगा, उसके बाद फिर हमको अंदर अलाउ करेंगे, एंड जिसका ट्रेन नहीं है वो अंदर जा भी नहीं सकता। Z21 1953 की ट्रेन है, एंड लासा टू लासा देख सकते हो आप लोग। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं ये वाले ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट चेक के बाद ये लोग भाई हमको अलाउ करते हैं, तो इसलिए प्लेटफॉर्म जो है पूरी खाली है, क्योंकि यार जिसकी ट्रेन टिकट है उसको भी अलाउ करते हैं, एंड जिसकी ट्रेन टिकट नहीं है वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता। एंड यहाँ देख सकते हो आगे लिखी हुई है Z21, 6 प्लेटफॉर्म में लगी है हमारी ट्रेन, एंड ये वाली ट्रेन है जो हम लोग भाई पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे मिड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड ट्रेन है जो कि भाई कुछ अराउंड 40 घंटे तक हम लोग को ये वाले ट्रेन में रहना है भाई, ये देख सकते हो यार आप लोग। एंड बहुत फेमस ट्रेन है भाई Z21, जो कि ओनली ट्रेन है जो बीजिंग से लासा जाती है, बहुत फेमस है, बहुत हिस्टोरिक ट्रेन है, एंड जो रूट है वो भी बहुत ही नया रूट है पूरे चाइना में अगर कंपेयर करें तो, आई थिंक 2005 से 6 के बीच में ये जो रूट है वो शुरू हुआ था बीजिंग से लासा की बात करें अगर। भाई ट्रेन चढ़ने से पहले यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जो हमारा ट्रेन पासपोर्ट चेक करेगा, एंड पासपोर्ट चेक करके वो भाई देखेगा, आई थिंक वीज़ा चेक करेंगे एंड हमारी परमिट चेक करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड अभी हमारे भाई टाइम जो है ख़त्म हो चुका है बोल रहे हैं, तो भाई अंदर जाना पड़ेगा। तो 40 आवर्स की ट्रेन है, कुछ अराउंड 4000 से ज़्यादा भाई किलोमीटर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड में चेंज आने वाला है। तो हमारी ट्रेन जो है बंद हो गई अभी जैसे टाइम ख़त्म हुआ, यहाँ पे भाई साहब खड़े रहते हैं जो चेक करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड एक बार टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप बाहर जा नहीं सकते। भाई कारपेट लगी हुई है ट्रेन में यार, ट्रेन जर्नी गाइस वो शुरू हो चुकी है अभी। तो स्वागत है आप लोग का किन्हाई तिब्बत रेलवे जर्नी में, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल ट्रेन जर्नीज, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ट्रेन जर्नीज,
जो कि आज हमारी आज शुरू होने वाली है। एंड सही बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है तिब्बत एक्सप्लोर करना, बट तभी भी इस बार हमने यार किसी तरीके से बहुत सारे जुगाड़ लगाकर हमने इस बार पॉसिबल कराए। स्पेशली इंडियंस के लिए तिब्बत जाना तो कुछ और ज़्यादा मुश्किल है, नॉर्मली लोगों के लिए मुश्किल है बट हमारे लिए इंडियंस के लिए और मुश्किल हो जाता है। भाई यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, पता नहीं ये सारे हमारे साथ पैसेंजर हैं जो तिब्बत तक जाएंगे या फिर बीच में से उतर जाएंगे, पता नहीं। ये एक्चुअली बैठने की जगह होती है यहाँ पर चाइनीज़ रेलवे में, साइड में बैठते हैं। एंड अगर आपको सोना है तो भाई ये पूरी भाई बेड है हमारी, मैं आपको लेकर चलूँगा हमारे कैबिन में। तो गाइस ये हमारी कैबिन और ये हमारे नवदीप भाई, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कैसा लग रहा है दुनिया के हाईएस्ट रेलवे में चढ़कर? अभी तो हाईएस्ट पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं। तो ये भाई हमारी कैबिन है, दो नीचे की दो सीट हमारी ना भाई, दो नीचे की सीट ले बुक करी है भाई ने। और एक्चुअली तीन सीट का ये ट्रेन लग रही है, हमारी इंडियन ट्रेन की जैसी है भाई ये तो, बट सामने नहीं है ना भाई इसके सीट। हाँ सामने नहीं है तो यहाँ पे सामने बैठने का है, ऐसी होती है इनके यहाँ, मतलब यहाँ पे ये कैबिन है, वैसे कैबिन नहीं होता। हाँ नो लहासा, या वी गोइंग टू लहासा, ट्रैवलिंग, यस आई एम सरप्राइज्ड यू कैन स्पीक इंग्लिश। little. But it's nice. Good. You have your seat here? This one. Oh, that's so nice. Oh, okay. Very good. Where you get down? Thailand. Yeah. Kinhai. In Kinhai? Middle between Tibet and Beijing. After Shining or before Shining? Before Shining. तो फिर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे हम लोग, एंड यहाँ पे जो ये टिकट कलेक्टर है वो आ गए, और क्योंकि हम भाई तिब्बत जा रहे हैं, लासा जा रहे हैं, तो इन्होंने भाई हमारा जो परमिट है वो चेक कर रहे हैं अभी हम लोग बिना परमिट के। आप सही बात, इसके पहले सुना था कि आपको चढ़ने में नहीं देंगे, एंड देख लो जैसे ट्रेन शुरू हुई यहाँ पे आ गए ऑफिशियल्स और इन्होंने हमारा भाई जो परमिट है वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई थोड़े बहुत चाइनीज लोगों के साथ हमारी गपशप हो रही है, इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो उस हिसाब से भाई जो बातचीत है वो कंटिन्यू हो रही है। पंजाबी, हिज मदर टंग पंजाबी। व्हाट्स योर नेम? चाओ यान शान। एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ? श्वेलिशा। चुए यान शान, चाओ यान शान। आई एम सॉरी, बट इट्स यान शान, यान शान, यान शान इज इजी। लीशा, yeah, yeah, yeah. तो ये इनको बिली बिली में ये चेक कर रहे हैं। आप बिली बिली में फेमस हो गए ना? बिली बिली में पूरा फेमस है भाई, ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई इनके सारे व्यू कितना आ रहे हैं इनको। भाई एक्चुअली ये अभी थोड़े बहुत वीडियो डाल चुके हैं, तो इनके थोड़े बहुत यूट्यूब से वीडियो यहाँ पे एक्चुअली मेरे भी करे हुए हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब क्योंकि चलता नहीं है तो हमारी वीडियो लेकर ये बिली बिली में डाल देते हैं। बिली बिली इनका चाइनीज का यूट्यूब जैसा ही है समझ सकते हो। एंड ये भाई इतने फेमस हो गए, कितने व्यूज आ गए हुए आपको? 50 मिलियन व्यूज आ गए बिली बिली ऐप में। भाई थिंग्स यू सी व्हेन यू ट्रैवल इन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे। तो यहाँ पे भाई इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट हर जगह भाई आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये इसके पहले मैंने ऐसी ट्रेन ट्रैवल करा हुआ है, एंड पर मैंने ये इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट जो है वो भाई पहली बार ही देखा हूँ मैं, इसके पहले कोई ट्रेन में मैंने नहीं देखा ये। एंड सही बताऊँ तो गाइस हमारी जो हमारी कौन सी वो है भाई, हार्ड स्लीपर है ना, तो ये एक्चुअली हार्ड स्लीपर है, मतलब थोड़ा नॉर्मल हार्ड वाला कहता है। हाँ तो एक्चुअली चाइना में तीन क्लासेस होते हैं, एक है हार्ड स्लीपर, एक है सॉफ्ट स्लीपर और एक है हार्ड सीट, तो ये तीन क्लासेस होते हैं। हमारा ये हार्ड स्लीपर है पर ये एक्चुअली काफी बढ़िया ही है, खराब नहीं है अगर देखा जाए तो, कंफर्टेबल ही है। सॉफ्ट स्लीपर मतलब आई थिंक उनका ये फर्स्ट क्लास होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। हाँ और फर्स्ट क्लास टाइप आपको मिलेगी, और हार्ड सीट मतलब भाई सीट मिलेगी बस आपको। इसके लिए कितना पे करा है हम लोग ने? हार्ड सीटर और सॉफ्ट सीटर भी होती है, इसके लिए हमने पे करा है 19,000 रुपए। 19,000 पे करा है हम लोग ने दो जन के लिए, और एक जन का कुछ अराउंड 9,000 रुपए, 9,500 रुपए एक जन की। भाई यहाँ पे देख लो ट्रेन के प्राइसेस, चलो भाई 40 घंटा ही है, हम इंडिया में भी 40 घंटे काफी ट्रेन होते हैं भाई, आई थिंक 4,000 तक आ जाते हैं वो ट्रेन, 4,000 तक आ जाते हैं। सेम थर्ड एसी लेना हो तो, बट यहाँ पे भाई इतनी ये भाई प्राइसेस यहाँ पे ट्रेन की, तो चलो थोड़ा एक्सपेंसिव है ही, बुलेट ट्रेन लेते तो, बुलेट ट्रेन तो जाती नहीं है वैसे, पर अगर बुलेट ट्रेन होती तो वो तो भाई चले जाता आराम से, दोनों को मिला। स्वागत
स्वागत है आप लोगों का। आज हमारा दूसरा दिन ये लासा एक्सप्रेस Z21 में। तो अभी कुछ अराउंड बोल सकते हो हमने 15 घंटे कंप्लीट कर लिए हमारी जर्नी में। कुछ अराउंड सुबह के 11 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पे भाई मैंने कॉफ़ी बनाया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी चाइनीज़ रेलवे में भाई रशियन रेलवे के जैसे आपको गर्म पानी का इंतज़ाम मिल जाता है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ से आप लोग गर्म पानी ले सकते हो, और आपको अगर चाय कॉफ़ी बनवाना है, कुछ बनाना है कुछ, तो आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे भी मैं लेके जाऊँगा आपको। अगर देखो आप लोग, ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है अभी। कल रात को हम लोग आई थिंक 120 के किलोमीटर के अराउंड चल रहे थे, बट अभी जैसे ही हम लोग थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे तो स्पीड जो है आई थिंक थोड़ी कम होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे जो माउंटेन्स है वो वाले एरियाज में आएंगे और एल्टीट्यूड जो है वो और बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेशन है लागजू, और उसके बाद अगला स्टेशन आएगा शिनिंग। लागजू जो है कुछ अराउंड 12 बजे के अराउंड है, शिनिंग जो है कुछ अराउंड आई थिंक शाम को आएगा वो। एंड जो मेन जर्नी है लासा एक्सप्रेस की वो शिनिंग से ही शुरू होती है, शिनिंग से गोलमुद और फिर गोलमुद से लासा। ये एक्चुअली मेन जो जर्नी है, और वहाँ पे जो व्यूज़ वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है आपको। और ये भाई यहाँ पे बाहर का माहौल यार, यहाँ पे भाई जो व्यूज़ है सारा चेंज हो गया भाई। अभी जितने मॉडर्न बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो ख़त्म हो गई यहाँ पे, और जो घर वगैरह है वो देख सकते हो आप लोग, पुरानी पुरानी ओल्ड ओल्ड। एंड जो लैंडस्केप है वो भी बदल गया यार काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सूखा सूखा सा लैंडस्केप हो गया यहाँ पे, ब्राउन ब्राउन किस्म का थोड़ा। अभी सेंट्रल चाइना की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी जितना भी सारा माउंटेन वगैरह ही है, धीरे धीरे जो ये भी जो व्यू है वो धीरे धीरे बदलेगा जब हम तिब्बत की तरफ जाएंगे। गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं लांगजू स्टेशन में। एंड अभी फ़िलहाल हमारा आई थिंक 16 घंटे कंप्लीट हो गए हमारी जर्नी के, और 25 घंटा बाकी है हमारा क्या बोलते हैं जो तिब्बत जर्नी लासा पहुंचने के लिए। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैं लास्ट कोई रेलवे जर्नी में था तो वो था भाई जब मैं रशिया में ट्रैवल कर रहा था ट्रांस साइबेरियन रेलवे। उसके बाद आई थिंक ये वाला रेलवे है दुनिया का मतलब मोस्ट फेमस रेलवे जो आती है गाइस, जैसे मैं आप लोगों को इनिशियल वीडियो से बताते आ रहा हूँ। अगर आपको मैं थोड़ी चीज़ें रिवाइज करवा दूँ गाइस, तो ये वाले ट्रेन में आपको चढ़ने के लिए सबसे नंबर वन चीज़ चाहिए वो है भाई आपको परमिट, क्योंकि तिब्बत जाने के लिए आपको परमिट चाहिए। किसी भी फॉरेनर के लिए चाहिए, बट इंडियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे इंडियंस के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है तिब्बत ट्रैवल करना। तो अगर परमिट नहीं होगा तो आप लिटरली इस ट्रेन में आपको बोर्ड भी करने नहीं देंगे, जैसे कल मैंने बताया चेक करने के लिए आए थे, वो परमिट चेक करेंगे आपका पूरा, चेक करने के बाद ही आपको छोड़ेंगे। एंड परमिट आपको बस यहाँ पे टूर कंपनी दे सकती है, क्योंकि आप तिब्बत में अगेन इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर नहीं सकते। अब तक भी आप तिब्बत रीजन में हो, आपके साथ कोई एक टूर गाइड होना चाहिए जो आपके साथ रहेगा, एंड वो जो जगह आपको लेके जाएगा वहीं पर ही आप ट्रैवल कर सकते हो। बाकी गाइस ट्रेन के बारे में बता दूं गाइस, यहाँ पे तो यार आपको ट्रेन में एक यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोग फ्रेश अप वगैरह हो सकते हो। एंड यहाँ पे टॉयलेट भाई देख लो, ऐसी टॉयलेट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टॉयलेट्स यहाँ पे जो रेलवे है फिलहाल इस वाले में, ये वाले रेलवे में वो इंडियन स्टाइल वाली है बैठने वाली, वेस्टर्न स्टाइल वाली मुझे देखने को मिली नहीं अभी तक। ये भाई यहाँ पे देख लो, ये है यहाँ पे जो हार्ड सीट वाला क्लास बोल रहा था मैं, जहाँ पे बस बैठने का होता है। ये भाई सारा यहाँ पे पूरा माहौल है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देख लो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर रूम, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जनरेटर रूम भी है। एंड ऊपर भाई देख लो इंग्लिश में लिखा है, चाइनीज़ में लिखा है, एंड ये तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा है। तो देख लो भाई स्पेशली तिब्बत के लिए ही ये वाली ट्रेन मशहूर है, एंड जितने भी लैंग्वेज वगैरह है उसमें भी आप लोग को तीन लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं, तिब्बतन चाइनीज़ एंड देन इंग्लिश। तो ये स्पेशल ट्रेन है गाइस, ये बस ये वाले रूट में चलती है, एंड कोई और रूट में आप लोगों को पूरे चाइना में आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा। भाई सबको देखो, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये निहाओ। यहाँ पे चाइना में एक चीज़ देखा है, यहाँ पे लोग शर्ट ऊपर कर देते हैं यार, पता नहीं शर्ट ऊपर करके बस खड़े रहेंगे, काफ़ी वियर्ड चीज़ें करते हैं यहाँ पे चाइना में कभी कभार लोग। दैट साइड शशि, तो मैं पूछ रहा था कि भाई रेस्टोरेंट किस तरफ है, तो उसने इशारा बताया भाई निहाँ। ये भाई सारा यहाँ पे भाई लोग हैं, यहाँ पे भाई थोड़े बहुत मंक भी देखने को मिल रहे हैं यार, आई थिंक ये लोग सारे आई थिंक मोस्ट ऑफ लासा जा रहे हैं। पहली बार मैंने यहाँ पे मंक देखा चाइना में। आई थिंक आ गए हम लोग आई थिंक रेस्टोरेंट। हाँ जी भाई साहब, क्या रेस्टोरेंट है यार ये देखो आप लोग, अरे कितना कलरफुल रेस्टोरेंट है ये, तो चाइनीज़ में लिखा है, तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा है। एंड ये सारा भाई पूरा माहौल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये तो। हेलो, वेयर आर फ्रॉम? सिंगापुर। यू आर फ्रॉम सिंगापुर? वाओ, आई थॉट दैट यू आर फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ योर। यस, यार। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम इंडिया। माय कजिन्स आर फ्रॉम साउथ तमिलनाडु। सो यू आर तमिल? तमिल, यस।
Amazing, amazing. So you're traveling to Tibet? Yes. Amazing, wow. You're doing that as well? Yeah, yeah, yeah. It's so surprising because I didn't see any tourists till now. So yahan pe yaar main kafi surprisingly main restaurant mein raha tha and hamare sath you are Kumar. Yes. I just met with Kumar. You are from Singapore. But you also can speak Tamil. यहाँ पे भाई सिंगापुर से हमारे कुमार भाई मिल गए थे हमको रेस्टोरेंट में बातचीत करी हम लोगों ने एंड यहाँ से मैं आप लोगों को मैं और जो कैबिन है वो लेके जाता हूँ. तो अभी फिलहाल हम लोग जो कैबिन में हैं ये आगे हम लोग सॉफ्ट स्लीपर इनका भाई दो बेड का सॉरी कैबिन बोल रहा हूँ. एक कैबिन में चार बेड होंगे यहाँ पे. यहाँ पे आई थिंक ऊपर और नीचे दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बैठने के लिए. हमारे पास बस नीचे वाले के पास ही है स्पेस. ऊपर अगर लोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे तो वो दिक्कत है यहाँ पे. बट अगेन प्राइस में भी बहुत डिफरेंस होने वाला है. आई थिंक हमारा वाला कुछ अगर 9,500 का है एक बेड तो आई थिंक ये जो सॉफ्ट स्लीपर है इसका कुछ अराउंड बोल सकते हो तो 15,000 से 18,000 का तो होगा एक सीट जो कि अप्रॉक्सीमेटली डबल प्राइस हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है यार भाई 18,000 रुपये पता नहीं 40 घंटे के लिए बट एनीवेज. तो ये भाई यहाँ पे देख सकते हो हर जगह कारपेट वगैरह लगा हुआ है कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम. ये एक्चुअली इनका फर्स्ट क्लास है गाइस बताऊँ तो. वैसे तो कहा जाता है जो बीजिंग से लासा की ट्रेन है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे चलती है. बट ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड का जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये वाले प्लेस से जिसका नाम है शिनिंग. तो ये फिलहाल हम लोग शिनिंग आए हुए हैं. अभी हमारा जो 40 घंटे का सफ़र है उसमें बीच में पड़ता है शिनिंग एंड शिनिंग से जो लासा है ये वाला रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूट है हमारे जितना भी किन्हाई तिब्बत रेलवे जर्नी. एंड जैसे धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ये वाले ट्रेन में जो ऑक्सीजन है उसको भी छोड़ना शुरू करेंगे. जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन कैबिन दिखाया क्योंकि मुझे तो पता नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो बताऊँगा कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड ट्रेन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं. अरे यहाँ पे छोटा बच्चा देख लो यार कितना प्यारा बच्चा है यार ये. निहाओ निहाओ. तो शिनिंग से जो लासा है वो दो हिस्से में बना था. जब बना था द स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई थी 1950s के अराउंड जो कि शिनिंग से गोलमुत की थी. वो पहला स्ट्रेच था तिब्बत से कनेक्ट करने की बात करें अगर तो शिनिंग से गोलमुत कुछ 1950 में शुरू हुआ था. 1984 में जो कंस्ट्रक्शन है शिनिंग से गोलमुत वो वाला जो जर्नी ये वाला जो रेलवे रूट है वो कम्प्लीट हुआ था 30 साल के बाद. एंड और एक जो स्ट्रेच है वो है गोलमुत से लासा जो कि शुरू हुआ था 2001 में एंड 2006 में जो कंस्ट्रक्शन है गोलमुत से लासा वो वाला कम्प्लीट हुआ था. एंड उसके बाद कुछ अराउंड आई थिंक 2007 के अराउंड जो दो रूट है उसको कनेक्ट किया गया था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन तिब्बत वाज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ चाइना. उसके पहले बार तिब्बत बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था. तो ये है भाई बेसिक हिस्ट्री शिनिंग से लासा के बारे में बताऊँ तो. और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस कंस्ट्रक्शन के फिनिश होने के बाद. जैसे दुनिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया. और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे अपना जो कांच है कांच को साफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आने वाले हैं. तो मेक श्योर करने के लिए कि व्यू में कोई कमी ना पड़े तो सारे लोगों को देखोगे आप लोग कि अपना कांच साफ करेंगे ये लोग क्योंकि जो व्यू है काफ़ी बढ़िया आने वाली है गाइस. तो जो लोग हैं वो देखो हर जगह वहाँ पे भी कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग. सारे लोग कांच साफ कर रहे हैं अपना. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों को देखने को मिलती है. सारे लोग कांच साफ कर रहे हैं देख सकते हो क्योंकि उनको पता है अभी व्यू है काफ़ी काफ़ी बढ़िया होने वाली है. अभी कितना सही है ये अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यार सही बता रहा हूँ. ऐसा कुछ मैंने इसके वाले कहीं नहीं देखा. क्या बोल रहे हैं भाई ये. यहाँ पे भाई हम लोग पानी का बॉटल ले रहे हैं. यहाँ पे 4 युआन का बेच रहे हैं. एटलीस्ट सस्ता है. हम वहाँ पे तो भाई कम से कम 10 युआन का एक बॉटल बेच रहे थे. देखो भाई अंदर से भाई सारे से लोग साफ कर रहे हैं. ये देखो भाई ये भाई चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पे तिब्बत रेलवे में देखने को मिलेगी. कहाँ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है यार मुझे बताना. सारे लोग पर्सनली कोई ये कोई काम वाला नहीं है. सारे लोग पैसेंजर ही साफ कर रहे हैं. ये देख लो यहाँ पे भी सारे लोग सारे लोग भाई अपना शीशा साफ कर रहे हैं भाई. ये देखो भाई ये लोग तो काफ़ी कुछ अलग ही किस्म के मतलब कपड़े पहने हुए यार ये लोग. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये लोग तिब्बत जा रहे हैं भाई लग रहा है. ये सारे तिब्बत जा रहे हैं.
तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये लेक देख लो भाई, ये किन्हाई हू लेक बोल रहे हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा देखने को लग रहा है। सारे लोग देख सकते हो भाई, सारे भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे, एंड सारा कुछ भाई यहाँ पे आप लोग जो लैंडस्केप है वो भी देख सकते हो यार, पूरा पूरा बंजर ज़मीन है भाई। दूर दूर तक तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बस छोटे छोटे घर देखने को मिल रहे हैं और भाई भेड़िया शीप देखने को मिल रहे हैं, भेड़ हाँ। और ये भाई देख लो ग्रेप्स, तो भाई यहाँ पे हमने ग्रेप्स खरीदा, तो भाई लिटरली उसने धो के लाई ना हमारे लिए, तो धो के ला के दे रही है एकदम लिटरली भाई, देख सकते हो आप लोग यार, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा ट्रेन में यार। गाइस तो फिलहाल हम लोग आ गए यार गोलमूल स्टेशन में, तो ये फिलहाल देख सकते हो ये पूरा स्टेशन का माहौल है, एंड सारे लोग बाहर आए हैं थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करने के लिए। ये ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है गाइस, 21:58 कुछ अराउंड 10 बज रहे हैं रात के, एंड आज का भाई हमारा ये आखिरी स्टेशन होने वाला है। कल जो स्टेशन आएगा, कल अभी ये वाला स्टेशन के बाद अगला स्टेशन कल सुबह होने वाला है, कुछ अराउंड 7 बजे के अराउंड आएंगे आएगा स्टेशन पर, रात भर कहीं पर नहीं रुकने वाली। तो गोलमूल में जो इंजन है ट्रेन की वो चेंज हो जाती है, अभी तक जो हमारे ट्रेन में इंजन थी वो इलेक्ट्रिक इंजन थी एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे चलती थी, बट गोलमूल के बाद क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उतनी है नहीं और इलेक्ट्रिसिटी कम है ऐसा मैंने पढ़ा है, इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो चेंज होकर भाई डीजल इंजन में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाई जो इंजन है वो बदलेगी, इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो निकल जाएगी और डीजल इंजन यहाँ से ज्वाइन होगी। भाई सभी तो यहाँ पे यार फिलहाल हम लोग सोने जा रहे थे अभी हम लोग, और एक टीटी आया यहाँ पे, टीटी ने ये फॉर्म दे दिया हमको, चाइनीज़ में लिखी है सारी, एंड मैंने यहाँ पे लोकल भाई से पूछा कि क्या है ये, हमारा अभी ट्रांसलेटर भी काम नहीं कर रहा कि वह ट्रांसलेट करके पढ़ लें, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक्चुअली अभी क्योंकि जैसे फिलहाल उन्होंने बताया कि यहाँ से जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, एंड हम लोग लिटरली 5,000 फीट भाई अब उसी लेवल तक जाने वाले हैं, तो ये इन्होंने बस हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है जहाँ पर 5,000 फीट नहीं भाई 5,000 मीटर 5 किलोमीटर हाँ वही हुआ 5,000 मीटर तो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने बस लिखा है कि हम भाई अल्टीट्यूड बढ़ने वाली है, अगर दिक्कत होती है तो फिर भाई उसका आप संभालना, और कुछ अगर इशू होती है तो आप यहाँ पर टीटू को इन्फॉर्म कर सकते हो कि कैसे दिक्कत हो सकती है भाई, सांस वांस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई यार अभी ना हम सो के भाई बीच रात उठे हैं भाई, 2 बज रहा है रात का, और भाई को यार नींद आ नहीं रही, हम भाई उठ गए बीच में और यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हाँ नींद वैसे भी ठीक ठाक मेरे को आ नहीं रही आज, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है, वो होता है जैसे मैं सो रहा था भाई नॉर्मल सो रहा हूँ, एकदम जैसे मतलब कभी इधर हो रहा हूँ कभी इधर हो रहा हूँ, फिर उठ ही गया, हाँ मेरे भाई ने चेक करा मेरा कितना है दिखाना, कितना बता रहा है मेरा 78 ऑक्सीजन लेवल है और हार्ट बीट कितना 91 दिखा रहा है, थोड़ी देर के बाद हम लोग शायद दुनिया के जो दुनिया का जो हाईएस्ट रेलवे है कुछ 5,000 मीटर 5,000 आई थिंक 100 मीटर अब उसी लेवल कुछ 16,600 फीट भाई बोल सकते हो आप लोग, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पर्सनली, मैं तो पहले कभी इतने एलिवेशन में गया नहीं, मतलब कुछ कारण भी नहीं था। गाइस तो अभी सुबह सुबह उठे हम लोग, और उठते ही भाई जो नज़ारा आया हुआ है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, एक्चुअली भाई अभी कुछ अराउंड क्या बज रहे हैं अभी अराउंड 9 बज गए अभी, एंड मैं अराउंड आई थिंक 7 बजे के अराउंड उठा था एक बार मैं, पर जैसे ही मैं उठा यार मेरे को देखने को मिल रहा सब कुछ अंधेरा है यार, मतलब उजाला ही नहीं हुई यहाँ पे तिब्बत की तरफ, तो भाई बता रहे थे कि यहाँ पे उजाला कुछ अराउंड 8 मतलब 7:30 तक यहाँ पे उजाला शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पे तो उसके पहले 7:45 से पहले भाई यहाँ पे पूरा भाई अंधेरा ही था, टाइम भाई पूरे चाइना में एक ही रहता है क्योंकि टाइम जोन भाई चाइना में एक ही है, वहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल बीजिंग में चलते तो वहाँ पे भाई 5:30 बजे शायद वहाँ पे सनराइज हो जाती है, बट यहाँ पे तिब्बत में 7:30 बजे भाई सनराइज हो रही है। मैं और नवदीप भाई भी डिस्कस कर रहे थे कि देख लो भाई यहाँ पे जो ट्रेन जर्नी भी चल रही है कैसी जगह पे चल रही है भाई, दूर दूर तक बस माउंटेन ही माउंटेन है और भाई पूरा बंजर जमीन है यहाँ पे खाली, दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं देखने को मिल रही हमको, और वहाँ पे भाई ऐसा जगह पे इन्होंने भाई रेलवे ट्रैक बना दिया और यहाँ से भाई तिब्बत को कनेक्ट कर दिया,
और ये भाई पूरा माहौल है यार। भाई कभी कभार चाइना कुछ क्रेजी चीजें तो कर देता है ना यार। कभी कभार नहीं, हमेशा ही करता है, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत भाई जो तिब्बत का जो इम्प्रेशन है वो देखने को मिल रहे हैं, घर घर वगैरह, यानी यहाँ पे थोड़े बहुत झंडे भी देखने को मिल रहे हैं तिब्बत के, चाइनीज़ झंडे भी हैं, चाइनीज़ झंडे के साथ तिब्बत झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भाई थोड़ा बहुत जो मैंने इसके पहले तिब्बत के पिक्चर्स देखे थे वैसा कुछ भाई मुझे माहौल देखने को मिल रहा है, घर वगैरह देख सकते हो आप लोग। भाई कितना अलग है ना ये मेनलैंड चाइना से। भाई साहब असल में जिंदगी जैसे रूरल वाली जिंदगी होती है वो दिख रही है ना, जैसे खेत में ज़्यादा दिख रहे हैं। भाई एकदम जो चाइनीज़ जो मॉडर्न दुनिया है उससे भाई बहुत ज़्यादा दूर, भाई कुछ अराउंड बीजिंग से 4,000 किलोमीटर दूर आ गए भाई हम लोग। हाँ शशि, तो गाइस फाइनली यार कुछ अराउंड 40 घंटे की जर्नी के बाद, कुछ 4,000 किलोमीटर कवर करने के बाद, चाइना के एक साइड से हमने भाई चाइना के पूरे दूसरे साइड में आ चुके हैं, एकदम इंडिया के बहुत ही करीब आ चुके हैं अभी तो फिलहाल देखा जाए तो। ऊपर से हर जगह भाई माउंटेन ही माउंटेन भाई साहब। ये देखो भाई थोड़े बहुत तिब्बत के लोग हमको यहाँ पे भाई स्टेशन में देखने को मिल गए। हेलो हेलो। तो यहाँ पे भाई ये लोग, इन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया एंड इनके इनके सिस्टम में सारा कुछ डिटेल होता है भाई, इन्होंने जैसे हमारा पासपोर्ट दबाया इनको सारा डिटेल आया था हम लोग का कि हम कहाँ से चढ़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये भाई हमारे भाई जी आ गए। हेलो ताशी दलेक, ताशी दलेक, नाइस टू मीट यू, आ गया। ये देखो व्हाट इज आवर नेम, अपना विष्णु, यस नवदीप, यस ट्रेडिशनल। ओ वाओ, तो इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल लेके आया हमारे लिए और कह रहे कि भाई ये पहनवा रहे हैं, ये हमको कुमार भाई मिले थे सिंगापुर से हैं, ये ट्रेन में मिले थे हमको। तुम चीचे, तुम चीचे, तुम चीचे, तुम चीचे, तुम चीचे, ओके, तुम चीचे का मतलब थैंक यू बोल रहे हैं ये। तुम चीचे, तुम चीचे, ओह गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, तुम चीचे। तो यार यहाँ पे तिब्बतन भाषा में ताशी दिलेक का मतलब होता है थैंक यू या फिर ग्रीट करना होता है, तो फिर ताशी दिलेक बोलते हैं। क्या गिर गया, गिर गया। एंड ये भाई यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा भाई लासा शहर का भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, देख सकते हो इतना डिफरेंट है रेस्ट ऑफ चाइना से अगर हम कंपेयर, ऑफकोर्स यार डिफरेंट तो होगा ही, ये तिब्बत है एंड मेनलैंड चाइना तो अलग होगा ही, देख सकते हो आप लोग इतना बढ़िया माहौल भाई साहब, साफ आसमान, बढ़िया माउंटेन्स। अभी तो भाई गाइड आया हुआ है अभी जो हमको लेके जाएगा मोस्ट प्रोबेबली होटल की तरफ, एंड जैसे आपको इसके पहले बताया हुआ मैंने यहाँ पर बिना टूर गाइड के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग आए यहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह हुई, हमारा परमिट चेक हुआ एंड बिना परमिट चेक किए आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, काफ़ी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव जोन है ये, पहले से बोलते आ रहा हूँ मैं, एंड ट्रैवल करना थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रैवल अगर मैं बात करूँ। भाई अभी हम लोग यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं कि भाई किसी को ढंग से नींद नहीं आई यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से भाई, तो हमको लग रहा था कि हम शायद अकेले होंगे, हमारे जो कुमार भाई है उनको भी नींद नहीं आई बोल रहे हैं, उनका भी सर दर्द हो रहा है अभी, ज़्यादा भारी हो गया उनका।